Bill Cut. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों, मैंने आज बनाया है फलों का चाट इस तरीके से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है दोस्तों। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे बनाया है फलों का चाट। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं फलों का चाट, बनाएंगे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ऐसे फल वगैरह खाते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम अगर चाट बना देंगे तो बच्चे बहुत मन से ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फलों का चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेब लिया है, दो यहाँ पे मैंने केला लिया है, ये है मेरा अमरूद, यहाँ पे हमने लिया है अनार, ये पपीता, और मैंने अनानास लिया नहीं है क्योंकि मार्केट जाना पड़ता। आप चाहें तो अनानास भी इसमें डाल सकते हैं, जिस और तरबूज भी इसमें डाल सकते हैं, वाटरमेलन। तो मैंने दो चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास इस समय है नहीं, तो मैं इसी फलों से फलों का चाट बनाऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फलों का चाट बनाने के लिए मैंने मसाला लिया है, यहाँ पर चाट मसाला है, जीरा धनिया मिर्ची पाउडर है, काला नमक है, डेली यूज वाला नमक है, यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है जिसका पाउडर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फलों को एक प्लेट में काटते हैं, तो जिसके लिए हमने फलों को साइड में करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली हुई है और यहाँ पे इस तरीके से फल को हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेब को काट दिया है, अब यहाँ पे अमरूद, इस तरीके से अमरूद को भी पीसेज में काटना है। मैंने इसको भी इस तरीके से पीसेज में काट लिया है, अमरूद को भी इस तरीके से। अब यहाँ पे काटेंगे केला को इस तरीके से। उसके बाद में हम यहाँ रखेंगे पपीता थोड़ा सा काट के। तो सारे फलों को मैंने अच्छे से धुल लिया है, यहाँ पे मैंने छील लिया है पपीता को, इसको भी पीसेज में इस तरीके से काट देंगे। तो ये फल हो गया है रेडी। तो दोस्तों, ये सारे फल मेरे कट के हो गए हैं रेडी। मैंने यहाँ पे केला भी काट लिया है और पपीता भी काट लिया है, एप्पल भी काट लिया है, अमरूद भी काट लिए हैं, सेब भी काट लिया है। तो अब बारी आती है यहाँ पे अनार की, तो मैं कुछ दाने अनार के इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे काला नमक। काला नमक आप सब दोस्तों जानते हैं कि बहुत फ़ायदा करता है, तो अगर चाट वाट में काला नमक पड़ जाए तो और भी टेस्ट आ जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला इस तरीके से। मैंने चाट मसाला भी यहाँ पर डाल दिया है, जीरा धनिया मिर्चा पाउडर भी हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर डालेंगे डेली यूज वाला खाने वाला नमक, सफ़ेद नमक यहाँ पे। इसके बाद में काली मिर्च पीसी हुई, मैंने इसको पाउडर बना लिया है। तो दोस्तों, अभी मेरा फलों का चाट बनके हो गया रेडी दोस्तों।
तो इस तरीके से मैंने बनाया है। तो दोस्तों ये फलों का चाट मेरा बनके हो गया है रेडी। तो दोस्तों फलों का चाट बनके हो गया है रेडी दोस्तों। तो दोस्तों ये फलों के चाट का रेसिपी कैसा लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।